हेलो एवरीवन आज हम करने जा रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 ठीक है आर्टिकल 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर के बारे में और 24 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज से रिलेटेड तो आ, अब देखो हम लोग इस वीडियो में पहले तो अन्य आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे ये आर्टिकल्स और कौन से आर्टिकल से कनेक्टेड हैं किस किस चीज़ों से कनेक्टेड हैं और इनकी वजह से कौन कौन से नए नए इनएक्टमेंट्स आए हैं और रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या क्या हुए हैं ठीक है तो इस वीडियो में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी अलॉन्ग विद फेमस केस लॉज उस केस लॉज में क्या क्या कहा गया है उनके एक्सप्लेनेशन एंड उनकेस लॉस को याद करने की ट्रिक्स तो चलिए बने रहिए इस वीडियो के साथ और प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अभी ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल कर ट्वेंटी थ्री से आर्टिकल ट्वेंटी थ्री क्लास वन बात करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड द बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर ए प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ ठीक है तो अब देखो हम लोग इसको डिकोड करते हैं ठीक है एक एक लाइन को ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स ठीक है ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है अब देखो नीचे लिखा हुआ हैूमन ट्रैफिकिंग होती है सेल परचेज ऑफ ह्यूमन बींग्स जनरली किस चीज के लिए होती है सेक्शुअल स्लेवरी के लिए फोर्स प्रोस्टिट्यूशन के लिए एंड फोर्स लेबर के लिए ठीक है यानी कि आपके शरीर का दुरुपयोग देन इसके बाद क्या है बेगर ठीक है बेगर क्या होता है भिकारी बनाना फोर्स लेबर एक तरह से एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी अब देखो फोर्स लेबर देख लो पर्सन वर्क फॉर अ वेज लेस देन मिनिमम वेज ठीक है फोर्स लेबर क्या होता है तुम्हें तो फोर्स किया जा रहा है देखो लेबर तो जनरली क्या होता है हाँ आप लेबर हो अगर तो आपको सैलरी मिल रही है पर अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है आपको फोर्सफुली काम करना पड़ रहा है कम सैलरी की वजह से ठीक है तो ये क्या हो गया फोर्सफुल लेबर हो गया आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रवेंशन ऑफ़ दिस प्रोविजन शैल बी ऑन ऑफेंस पनिशिबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ अब बात है अगर ऐसा कुछ होगा ठीक है इन सब चीज़ों का कॉन्ट्रवेंशन होगा इस प्रोविजन का तो वो क्या होगा ऑफेंस पनिशिबल इन अकॉर्डेंस विद लॉ यानी कि जो लेजिलेटर है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन सब चीज़ों के अगेंस्ट अब आर्टिकल ट्वेंटी थ्री का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है और इंश्योर करता है कि पर्सन इज नॉट फोर्स टू डू एनी थिंग इनवॉलेंट्री कोई भी ऐसी चीज इनवॉलेंट्री ना करे जो कि नहीं करनी चाहिए ठीक है अब इससे रिलेटेड दो केस हैं काफी फेमस केस हैं उनके बारे में हम करते हैं सबसे पहला तो है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है इसमें क्या है देखो सिंपली पढ़ते हैं इसको इसके बाद इसका देखते हैं कि इसको याद कैसे करना है अब देखो इस केस ने किस बारे में बात की फोर्स लेबर के बारे में फोर्स लेबर हमने कहाँ पढ़ा है थर्ड पॉइंट ठीक है अदर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर या फिर बेगर भी क्या होता है फोर्स लेबर ही होता है ठीक है तो दो पॉइंट्स को इसने कवर कर दिया है लेकिन ह्यूमन ट्राफिक को, को इसने कवर नहीं किया है द लॉ प्रोहिबिट्स एनी काइंड ऑफ फोर्स लेबर वेदर इट बी ड्यू टू मेंटल फिजिकल और इकोनॉमिकल प्रेशर कि कोई भी प्रेशर हो सकता है तुम्हारे पास पैसा कम है फिजिकल प्रेशर है मेंटल प्रेशर है यानी कि कोई डोमिनेट uh, कर रहा है ठीक है ऑल्सो नो पर्सन शैल बी फोर्स टू वर्क अगेंस्ट हिज विल अंडर एनी वन एंड डूइंग दिस विल बियर सीवियर पनिशमेंट ठीक है तो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट डेमोक्रेटिक राइट्स अब आप कैसे याद कर सकते हो इसे कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं और वहां पर कोई भी आपको क्या है फोर्स नहीं कर सकता तो अगर एम सी क्यूज वगैरह में आया तो आप आराम से कर सकते हो बट अगर मेन्स आंसर राइटिंग में आया तो आपको ये याद करना होगा देन इसके बाद एक बहुत फेमस केस है इसको आप इजिली याद कर सकते हो क्योंकि कई जगह हमने पढ़ रखा है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्स यूनियन ऑफ इंडिया ठीक है अब देखो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि फेलियर ऑफ द स्टेट टू आइडेंटिफाई द बॉन्डेड लेबरर्स टू रिलीज देम फ्रॉम देयर बॉन्डेज एंड टू एज एन एनविसास्ड बाय द बॉन्डेड लेबरर सिस्टम एबोलिशन एक्ट वॉलेट्स आर्टिकल ट्वेंटी थ्री है एंड द कोर्ट बॉन्डेड लेबर अब देखो इस केस में आपको क्या पता चला है कि ये जो बॉन्डेड लेबर है ये भी क्या है फोर्स लेबर के एम्बेट में आता है और इसी चीज़ से रिलेटेड आगे इसमें बात की गई है कि उनको रिलीज करना चाहिए कौन से एक्ट के अंडर बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबोल्यूशन एक्ट नाइनटीन तो आई होप आपको ये दोनों केसेज याद हो गए हूँ डेमोक्रेटिक लोग हैं ठीक है ठीके? और वो मोर्चा निकाल रहे हैं कि हम लोग फालतू ये ले, फोर्स लेबर नहीं करेंगे तो ये दोनों केसेस किस चीज़ से रिलेटेड आगे

ट्वेंटी थ्री क्लास टू बात करता है कि देखो ये आर्टिकल जो है यानी कि कि फोर्स लेबर वगैरह नहीं करा सकते हैं ठीक है इसमें कोई क्या है स्टेट को मतलब प्रिवेंट नहीं करेगा कंपलसरी सर्विस अब ये कंपलसरी सर्विस अब ये आर्टिकल ट्वेंटी थ्री क्लास टू का पर्पज़ क्या है इसका पर्पज़ ये है कि वेन इन नीड जब ज़रूरत पड़े तो आप आम जनता को बोल सकते हो कि आप आओ डिफेंस सर्विसेज में काम करो और कंट्रीज में जैसे होता है कि आपको कंपलसरी डिफेंस सर्विसेज करनी होती है एक पर्टिकुलर एज में वैसे ही इंडिया में भी ये डाला गया है बट क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है लोग बहुत ज़्यादा है पीपल आर एवेलेबल ठीक है तो इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है है ना आर्टिकल 23 थ्री प्रोटेक्ट सिटीजन्स नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट आल्सो फ्रॉम प्राइवेट सिटीजन्स ये अलग से मैंने डाल दिया है ये आर्टिकल 23 क्लॉज 2 के रेलेवेंस में नहीं है 23 थ्री क्लास वन के रेलेवेंस में है अब इसके बाद है दैट स्टेट इज ऑबलाइज टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स फ्रॉम दीज इविल्स बाय टेकिंग प्योरिटिव एक्शन ठीक है अगेंस्ट परपिट्रेटर्स ऑफ दीज एक्ट्स विच आर कंसिडर्ड क्राइम्स एंड ऑल्सो टेक पॉजिटिव एक्शंस टू अबॉलिश दीज इवल्स फ्रॉम सोसाइटी ठीक है आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी उसके रिलिवेंस में क्योंकि आर्टिकल ट्वेंटी थ्री क्लॉज वन के रिलिवेंस में है ठीक है आर्टिकल ट्वेंट थर्टी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट इज ऑथोराइज टू इन एक्ट लॉस टू पनिश एक्ट प्रोहिबिटेड बाई आर्टिकल ट्वेंटी थ्री तो अब ये जो ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा है ये है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री क्लाज वन से रिलेटेड ठीक है तो इसको आप उधर uh, imagine, मतलब सोच लेना कि हाँ ये उधर ही है अब इसके बाद हम क्लॉज टू में आते हैं इट इम्प्लाइज दैट कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक परपजेज सच एज कंस्रिप्शन टू आर्म्ड फोर्सेज आर नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल 23 थ्री क्लास टू का परपज मैंने आपको बता ही दिया है एंड लॉज पास पार्लियामेंट इन परसुएंस ऑफ आर्टिकल 23 आप देख लेना ठीक है ये भी क्लॉज वन से रिलेटेड है तो आप समझ रहे हो ट्वेंटी थ्री क्लाज से रिलेटेड सिर्फ एक चीज़ है कि कंपलसरी सर्विस किस चीज़ से रिलेटेड आर्म फोर्सेज से रिलेटेड बट अदर उसके अलावा और जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो ट्वेंटी थ्री क्लाज वन से रिलेटेड है और इसके इसमें इससे रिलेटेड जो पार्लियामेंट ने लॉज पास किए वो है सपरेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेंस एंड गर्ल्स एक्ट नाइनटीन बॉन्डेड लेबर सिस्टम एवोल्यूशन एक्ट नाइनटीन जिसके बारे में हमने बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाले केस में पढ़ा है नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल ट्वेंटी फोर आर्टिकल ट्वेंटी फोर बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा के अब इसमें देखो दो आर्टिकल्स हैं एक आर्टिकल ट्वेंटी फोर तो खुद में है आर्टिकल थर्टी नाइन भी हम इसमें पढ़ेंगे जो स्टेट करता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इंश्योर दैट द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट अब्यूज ठीक है तो थर्टी नाइन जो आया है ठीक है वो क्या है वो एक प्रिंसिपल है जो एक स्टेट को फॉलो करना चाहिए उसी के परस्पेक्टिव में 24 ऐड करके 39 के साथ आप पढ़ोगे ठीक है तो आर्टिकल 24 में थर्टी नाइन हमेशा आप ऐड करके पढ़ोगे तो आर्टिकल ट्वेंटी फोर क्या स्टेट करता है कि कोई भी चाइल्ड है जो कि चौदह साल से कम की एज में है एम्प्लॉयड है एज अ वर्कर इन फैक्ट्री या फिर किसी हजार डज एम्प्लॉयमेंट में उसको जो है नहीं किया जाएगा ठीक है किसी भी ऐसे फैक्ट्री या फिर हजार डज एम्प्लॉयमेंट हैंस इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ फोटीन ईयर्स इन डेंजरस और अनहेल्दी कंडीशन विच कुड हार्म द मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ ठीक है एक बच्चे के मेंटल मेंटल को और फिजिकल स्ट्रेंथ को हार्म कर सकती है ये चीज़ें इसलिए उसको मैं uh,

ठीक है ये हमने पहले भी कर रखा है आर्टिकल ट्वेंटी थ्री में ठीक है ये किस चीज़ से रिलेटेड है कि ह्यूमन uh, ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है तो इसमें चिल्ड्रन एक्ट नाइनटीन थर्टी एट का वो है कि अगर देखो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है कौन से प्रोजेक्ट्स में चिल्ड्रन का अंडर एज ऑफ फोर्टीन ईयर्स तो वो नहीं होना चाहिए ठीक है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हजारडस इंडस्ट्री नेक्स्ट इसके बाद है एम सी मेहता वर्सेज स्टेट ऑफ तमिलनाडु ठीक है इसमें क्या है एम सी मैं अंडर टुक टू इनवोट आर्टिकल थर्टी टू इनाबलिंग द कोर्ट टू लुक इन टू द वायलेशन ऑफ़ फंडामेंटल राइट्स ऑफ चिल्ड्रन गारंटी टू दैम अंडर ट्वेंटी फ़ोर ठीक है यानी कि उन्होंने बोला कि आर्टिकल थर्टी टू के को इन्वोव किया ठीक है ताकि कोर्ट का इनेबल करें टू लुक इंटू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल ट्वेंटी फ़ोर ठीक है और इस केस में मेनली फायर वर्क से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की है जो कि एक हजारडेस इंडस्ट्री सिद्ध की गई है अब इसके बाद आते हैं कुछ ऐसे लॉज जो कि पास किए गए थे इन परसेंस ऑफ आर्टिकल ट्वेंटी फोर में ठीक है इंडिया में तो वो कौन कौन से लॉज है फैक्ट्रीज एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट है ठीक है ये भी क्या प्रिवेंट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ठीक है मिनिमम एज लिमिट सेट किया है इसने देन इसके बाद माइंस एक्ट है ठीक है इसने प्रोहिबिट किया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल अंडर द एज ऑफ एटीन ईयर्स इन माइन्स तो इसको आप याद रखना अट्ठारह साल से कम की एज माइन्स में होनी चाह नहीं चाहिए देन इसके बाद है द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 ठीक है ये लैंडमार्क लॉ था दिस वाज अ लैंडमार्क लॉ इन एक्टेड टू कर्व द मिनेस ऑफ चाइल्ड लेबर प्रिवलेंट इन इंडिया चाइल्ड लेबर बहुत था इंडिया में ठीक है एंड इसने डिस्क्राइब किया कि वेयर एंड हाउ चिल्ड्रेन कुड बी एम्प्लॉयड ठीक है देखो एम्प्लॉयमेंट तो होगा पर कैसे होगा क्या 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 होगा उसमें उसकी इम्प्लीकेशन क्या होंगी ठीक है और कहाँ कहाँ पे फॉरबिडन है कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा इस एक्ट ने क्या असाइन किया कि चाइल्ड एज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कम्पलीटेड हिजर फोर्टीथ ईयर ऑफ एज ठीक है और 1986 एक्ट ने प्रोहिबिट किया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन 13 ऑक्यूपेशन एंड 57 सेवन प्रोसेस ठीक है तो आपको समझ में आया होगा कि इस एक्ट ने क्या किया एक तरह से फॉर्मेशन बना दी कि कहाँ हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता है एक रेगुलेशन ला दिया देन इसके बाद नेक्स्ट आया अमेंडमेंट एक्ट 2016 अभी रिसेंट का ही है इसने क्या किया कम्प्लीटली फॉरबेड कर दिया एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 14 इयर्स ऑफ एज ठीक है एकदम फॉर्बेड कर दिया एंड ऑल्सो बैन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल बिटवीन द एज ऑफ फोर्टीन एंड एटीन एन हज़ारडज ऑक्युपेशन चौदह साल से कम का बच्चा जो है वो एक कहीं काम नहीं कर सकता ठीक है एम्प्लॉयड नहीं हो सकता और अठारह साल वाला जो बच्चा मतलब अट्ठारह साल के अंदर के लोग तो हज़ार्डस ऑक्यूपेशन में भी नहीं आ सकते यानी कि फॉर हज़ारडज आपको 18 साल से ऊपर होना चाहिए और इसमें पनिशमेंट्स भी बताई गई टू वॉलेटर्स ऑफ दिस लॉ वर मेड स्ट्रिक्टर बाय दिस दिस अमेंडमेंट एक्ट एंड दिस एक्ट अलाउस चिल्ड्रेन टू बी एम्प्लॉयड इन सर्टेन फैमिली एंड आर्टिश आर्टिस्ट ठीक है यानी कि आप अपने फैमिली ऑक्यूपेशन में जा सकते हो नहीं जा सकते हो उससे रिलेटेड है देन इसके बाद आता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन अमेंडमेंट रूल्स टू थाउजेंड सेवेंटीन अब इसमें क्या है रूल्स है ठीक है गवर्नमेंट ने क्या किया नोटिफाई किया द अब रूल्स इन टू थाउजेंड सेवेंटीन टू प्रोवाइड अ ब्रॉड एंड स्पेसिफिक फ्रेमवर्क यानी कि देखो विद अ टाइम सर्टेन फ्रेमवर्क्स आते गए ताकि चीज़ें क्या हो जाए इजी हो जाए ठीक है फॉर प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड वर्कर्स यानी कि अगर बच्चा काम कर रहा है उसे आप काम छुड़वाओगे तो उसको रिहेबिलिटेट करने की भी जरूरत होगी इसलिए रिहेबिलिटेशन की बात हमेशा बाद में की जाती है क्योंकि बाद में एकदम से याद आता है कि अरे इसको बचा तो लिया है अब इसको आगे इसकी लाइफ कंटिन्यू कैसे करवाएं ठीक है एंड दीज रूल्स क्लैरिफाइड ऑन इश्यूज कंसर्निंग द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैमिली एंटरप्राइजेस एंड ऑल्सो सेव प्रोवाइड सेफ गार्ड्स फॉर आर्टिस्ट इन दैट द वर्किंग आवर्स एंड कंडीशंस आर स्पेसिफाइड यानी कि जिस जिस चीज के लिए उन्होंने अलाउ किया फैमिली एंटरप्राइजेस और आर्टिस्ट के लिए तो उसमें उन्होंने वर्किंग आवर्स कंडीशन कुछ और स्पेसिफाई कर दिए अब यहीं पे हमारा आर्टिकल 23 थ्री एंड ट्वेंटी फोर कंप्लीट होता है आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ये वीडियोज़ बनाने में काफ़ी एफर्ट्स uh, लगते हैं ठीक है और उसको एक्सप्लेन करने में चीज़ों को कनेक्ट करने में अगर आपको ये कनेक्शन वगैरह अच्छा लग रहा है और आगे भी आप चाहते हो इस चैनल को फॉलो करना तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब थैंक यू